नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओनियन रिंग। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी भी होता है। और इसका सारा सामान फ्रेंड्स इजीली घर में मिल जाता है, बच्चों बड़ों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 ओनियन ली थी बड़ी, इसके मैंने रिंग्स निकाल लिए हैं इस तरह के, ये काफ़ी मोटे निकालने हैं, बहुत पतले ना काटिएगा। ये 1/4 कप मैंने मैदा लिया है और 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी में पीस लिया था, ये देखिए फ्रेंड्स दरदरा पीसना है बिल्कुल। ये नमक लिया है, ये ओरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, और ये मैंने सोडा वाटर लिया है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम मैदा को डाल लेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, 1 चम्मच ओरिगेनो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिला लेंगे इन सब चीज़ों को। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये 1 कप, पहले 1 कप डालेंगे सोडा वाटर। फ्रेंड्स दोस्तों, ये इसमें हम सोडा वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये क्रस्ट की एयरनेस को भी बढ़ा देता है, और इससे हमारा बैटर जो है लाइट और बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो ये थिक और काफ़ी हैवी हो जाएगा। ये देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा और पड़ेगा। कुल मिला के हमने इसमें 1/4 कप डाला है, इसी कप से नापना है। अब इसको हम एकदम स्मूथ बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम 1/4 कप लग गया है ये सोडा। अब एक रिंग को लेंगे, इसमें अच्छी तरह से डुबो देंगे, और एक फोक की या चम्मच की सहायता से हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स में डालेंगे इसको, जो हमने पहले ही क्रश करके रखा हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, कितने आसानी से बन रहा है। इसके चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये देख सकते हैं एक रिंग बनकर के रेडी हो चुका है, और एक मैं दूसरी तरीके से भी दिखा देती हूँ आपको। ये रिंग को लेंगे हम, इसमें डुबोएंगे और इसमें कॉर्नफ्लेक्स में डाल करके इसको इस तरह से हिलाएंगे फ्रेंड्स, अच्छे से कोट हो जाएगा। इस तरह भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं इस तरह से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल को मैंने गरम कर लिया है, हाई फ्लेम पर गरम किया है। अब इसमें रिंग डाल देंगे ये सारे एक एक करके। तेल को काफ़ी अच्छा गरम करना है फ्रेंड्स, और फिर इसको डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है पकाने में, बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं और एकदम क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। और इसे काफ़ी देर रख के भी क्रिस्पी बना रहता है इसमें। ये देखिए कितने जल्दी फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितने लाजवाब लग रहे हैं देखने में, ये बहुत ही बढ़िया बने हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। बाकी के इसी तरह सारे मैं सेक लूँगी और सबको सर्व भी कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सबको सर्व कर लिया है, ये टोमेटो सॉस के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। और एक मैं आपको खा करके दिखाती हूँ, इसकी साउंड सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स आपने इसकी आवाज़ सुनी है, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और आप इसे ओरिगेनो ज़रूर डालिएगा इसमें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हाँ फ्रेंड्स ये रखकर भी काफ़ी समय तक क्रिस्पी रहते हैं। और फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।